हमें नारा चैनल फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ मैजिक ट्रिक्स जिनको देख के आप पजल्ड हो जाओगे। भैया आज क्या चकित हो जाओगे? हाँ वही। भैया आप किसी बलून को बिना टच करके फोड़ पाओगे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। भैया चलो मैं करके दिखाती हूँ। कैसे? चलो देखते हैं। चलो भैया मेरे पास एक बलून है, अभी तो फुला पाओगे? आपका बलून रेडी है? भैया अभी से ऐसे पकड़ रखो, मैं मैजिक दिखाती हूँ। ये कैसे होता? मेरा मैजिक है। वाह ये तो बहुत अच्छा मैजिक है। देखा? चलो पता करते हैं रिनायरा ने ये मैजिक कैसे किया। रिनायरा के हाथ में ऑरेंज पील था जिससे लिनन ऑयल निकला और उस ऑयल ने बलून के रबर सरफेस को वीक कर दिया जिससे बलून बस्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट मैजिक है बबल इनसाइड बबल। इस मैजिक को करने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ वाटर, शुगर, लिक्विड डिशवॉश और स्पून। तो अभी हम इस बबल इनसाइड बबल का लिक्विड बनाते हैं। सबसे पहले हमें इस वाटर में 1 स्पून शुगर डालना है। ओके अब हम इसमें डालेंगे 3 स्पून विम डिशवॉश। ऐसा लग रहा है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने का मिक्स 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 वाला है। अरे ये क्या बन गया? इस मैजिक को करने के लिए हमें एक प्लेट में हमने एक प्लेट ली है, उसमें हमने जो वो ये लिक्विड बनाया था उसकी एक अच्छी सी लेयर लगा ली है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे बबल इनसाइड बबल। तो रिनायरा अपना करेगी, मैं अपना प्लेट में बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम बबल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स मेरा बबल इनसाइड बबल हो गया, मैंने 3 रेल्स बना ली। फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है? मतलब हमने कहा था बबल इनसाइड, यहाँ बबल हो रहा है। और ना देखिए रिनायरा का बबल साइड बबल हो रहा है और रिनायरा का फूटा ही जा रहा है। फ्रेंड्स इस मैजिक ट्रिक में हम करने वाले हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक? अरे ब्लैक मैजिक नहीं, ब्लैक पेपर मैजिक। अच्छा। इस मैजिक ट्रिक के लिए हमने एक प्लेट में पानी रखा है और फिर हमने इस पे ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया। अब देखना मेरा मैजिक। अब देखना मेरा मैजिक। ये देखिए क्या मैजिक हुआ है। देखिए सारा ये जो ब्लैक पेपर था वो साइड में चला गया है और बीच में सिर्फ पानी पानी है। तो फ्रेंड्स चलो मैं बताता हूँ ये वाला मैजिक मैंने कैसे किया। ये विम लिक्विड है और ये ईयरबड है। अब हमें इसे डिप करना है ऐसे।
ब्लैक पेपर इज हाइड्रोफोबिक। जैसे ही हम सोप बर्ड को वाटर में डिप करते हैं तो सरफेस टेंशन चेंज होने से ब्लैक पेपर साइड में मूव हो जाती है। फ्रेंड्स, आपने कभी पेपर फ्लावर को खिलते हुए देखा है? पेपर फ्लावर को कैसे? देखते रहो मेरा मैजिक। आपको सीखना है कैसे? तो इसके लिए हमें चाहिए कलर पेपर, पेंसिल और सीजर। जैसा कि मैंने बताया था, हमें एक पेपर लेना है, उसमें मैंने फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसको ऐसे कट करेंगे। ओके, मेरा आपको कट करना आता है? आपके पास जो भी पेपर आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास पिंक था तो मैंने पिंक से करा है। आपके पास जो भी पेपर है आप कट कर लेना। देखो मैंने फ्लावर कट कर लिया है, अब हम इसमें स्माइली ड्रा करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हम इस फ्लावर के सारे साइड्स को फोल्ड कर देंगे। ऐसे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऐसे। फ्रेंड्स, इस मैजिक के लिए हमें एक बोल में पानी चाहिए और हमें एक एक करके इन फ्लावर्स को डालना है। भैया मैं भी डालूंगी। ओके, आराम से डालना। रुको रुको रुको, पहले मैं डालूंगी। मैं डालूंगी। ओके, वाओ, देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये ग्रीन वाला खुल गया। देखो हमारे फ्लावर्स कैसे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाओ, ये भी ट्रिक थी। तो ये मेरा के नाक पीछे।